संगीत भाषा संगीत पसंद मौसम भी मौसम के ऊपर आते हैं शास्त्रीय लोगों के कॉम्पोजिशंस और लोग भजनों के कॉम्पोजिशंस इस प्रकार के रागों का जो प्रस्तुतिकरण है वो काफी लोकप्रिय रहा है मौसम का एहसास करवाने के लिए भी श्रोताओं को मौसम की हिदत का उसकी भाई ऐसा है वो समय और राग का संबंध और ऋतु और राग का संबंध ये दो बातें ऐसी हैं कि वो राग और संगीत ये जो अपना है इस ये कितना नेचुरल है इस बात की पुष्टि करता है। बस इतनी सी बात है, वो बात उसमें से अच्छी प्रस्थापित हुई। नहीं तो आप ऐसी परीक्षा कर सकते हैं कि भाई तोड़ी सुबह क्यों गाया जाता है, तो तोड़ी का सुबह से कोई संबंध है, भैरव का सुबह से कोई संबंध है, वैसे मल्हार का उस वर्षा ऋतु से कुछ संबंध है, इस बात की इस प्रकार की ऋतु मालिका के कार्यक्रम में पुष्टि हुई। हाँ, निसर्ग से कैसा अटूट संबंध है संगीत का इस बात की, इसलिए वो अपनी जगह रचनाएं और वो कार्यक्रम बहुत उच्च कोटि की कलाएं हैं। ऐसा कैसा कहा गुलाब जामुन क्यों नहीं खिलाया, ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं श्री कल्याण वो पिछली बार मारवा गाए थे ना, तो मारवा तो गा नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन आपने क्लासिकल गायकी को भी पसंद किया, जबकि क्लासिकल गायकी काफी मेहनतों द्वारा सिखाने के बाद वो क्लास के बाद हासिल होती और हिंदी गीत गाने में कि आपका इस्तेमाल एक नट करके होता है, आप एक उसका एक पार्ट होते हैं, जो कंपोज किया हुआ होगा, जैसा कंपोज किया होगा, जो शब्द होंगे आपको उतना गा देना है, उसमें आपको उतना मानसिक समाधान कैसे मिल सकता है जो आपको शास्त्रीय संगीत में मिल रहा है। यहाँ आप खुद अपनी बंदिश बना के खुद गा सकते हो, चाहे जितनी देर गा सकते हो, संगीत से जो एक अपने आपको एक आनंद मिलता है ना, वो तो संगीत सीखने से ही मिलता है किसी उस्ताद से, और फिर उसके ऊपर प्रयास करने में ही आनंद आता है। और अब ऐसा है हर एक जीवन की धारा जो है वो उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है, तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो लोकप्रिय ऐसा भी नहीं है, अगर लोकप्रिय होता तो टिका रहता, हर दिन नया गाना क्यों लगता है, पिछला गाना भूल जाते हैं, कहता बहुत सी बातें उसकी कानों पर पड़ती रहती हैं। बीते हुए दिनों को याद करना है यार, वो दिन अब नहीं आएंगे। नहीं वैसे देखा जाए तो गुरु की सेवा में ही आनंद है और विद्या ग्रहण करने में आनंद है, देने में भी आनंद है, लेकिन जब अच्छा विद्यार्थी मिले तो वो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। मतलब आपको बहुत सी चीज़ें याद होती हैं लेकिन आप गाते नहीं या बताते नहीं या आपके दिमाग में नहीं आते, वो आपके कंपार्टमेंट में रखी रहती हैं, लेकिन कब अगर कोई विद्यार्थी जब पूछा करता है या वो रियाज करता होता है तो फिर वो एक एक चीज़ें बाहर आने चालू होती हैं, फिर आप स्वयं उसको सिखाते समय स्वयं सीखते हैं और फिर जो सीखा है उसका एनालिसिस होता है, तो सिखाने में और अधिक आनंद आता है, सीखने में तो है ही है। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि आदमी गुरु बनना ज़्यादा पसंद करता है बजाय शिष्य बनने के, तो वैसे सिखाने में ज़्यादा आनंद आना स्वाभाविक भी है। अगर अपन कुछ एक स्टेटमेंट करना चाहें तो सभी संस्कृति के अंतर्गत ही है सब कलाएँ, संस्कृति का क्षेत्र तो और बड़ा है, लेकिन ललित कलाएँ
उनके संदर्भ में यदि अपन कहें तो एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नई धारा निकल रही है या कोई लिबर्टी ले रहा है तो उसका पोषण होना चाहिए। पोषण यानी लगता नहीं है पोषण, परंतु कम से कम उसे उस धारा को रोको मत। अगर कोई नया धारा खोद रहा है, चैनल खोद रहा है, तो उसको कम से कम तोड़ो बुरो मत, उसको उस धारा को निकाल लो। और यदि कोई नई धारा आप में आके मिलना चाहती है तो या आपकी संस्कृति को आत्मसात करना चाहती है तो आप उसे आत्मसात करो। ये बातें कला के लिए या संस्कृति के लिए पोषक है और ये मेरे ख्याल से अपना भारतीय भारतवासियों का एक स्वभाव भी है, एक सकारात्मक भूमिका कि कोई भी नई विधा, कोई भी नया संप्रदाय अपने पास आया तो अपनों ने उसको उसका खंडन नहीं किया, जो भी करते भी करने दो, इवन इफ दे आर रिजिड। अच्छा भाई चलो उन, लेकिन अगर 12:30 बजे भी आपको राम राम करना है तो आपको कोई मना ही नहीं है। यानी अपना धर्म प्राण भारत, उसके आधार पे जो संस्कृति है वो संस्कृति भी इसीलिए विविधता ली हुई है कि किसी ने किसी पर रोक नहीं लगाई। और वैसी कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसी है अपनी, ये भी वी आर फॉर्चुनेट दैट वे। तो ये आपने उनको साधना जी कहाँ से उनको जी आपने इसको या भी आपने तैयार किया या फिर से किया इसको विविधता जी। तो नहीं कुछ बंदिशों का ना ऐसा हुआ कि जैसे हंसद ध्वनि है, अब हंसद ध्वनि में रेप संगति है, तो ये जो स्वरूप इसका बनता है हंस ध्वनि का, इसमें परे संगति ये वो। अब इसमें जैसे आपने अभी वो बात छेड़ी थी कि चैती भूप में कैसे मध्यम प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार से हंस ध्वनि में भी मरे संगति प्रयुक्त हुई है, मध्यम का कर्ण लगता है। तो प रे और म ये तीनों संगतियाँ इसमें हैं, इसलिए ये जो हंस ध्वनि है ये परम हंस ध्वनि कहलाती है। जय जय जगदम्बे माता।
अगर निजागर पानी पगर सारे गौर सा सा जय जय हे जय दंड माधा जय जय हे जय दंड जय हे जय दंड माता
रुचिरा Oh,
जब कर धा